हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए, हम 2 से 3 साल के बच्ची के लिए ये सैंडल वाला बेबी बूट बनाना सीखेंगे। देखिए, तो आप ऐसे बच्चे का पाँव आपका नाप लीजिए, उसी हिसाब से फंदे डालिए। तो इस पे मैंने 55 फंदे डाले हैं। तो ये मैंने 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बनाया है। ये ऊन थोड़ी हमारी ये मोटी वाली है। आप इस पे यहाँ पे इस पे मैंने 55 फंदे डाले हैं। तो यहाँ पे आप 63 फंदे डाल लीजिए, अगर सेम आपकी ऐसी वाली ऊन होगी तो, पतली वाली थोड़ी नॉर्मल। ये थोड़ी सी मोटी है, ये देखिए इसमें और इसमें इतना फर्क है, ये देखिए। तो आप इसमें मैंने 55 फंदे डाले, तो यही साइज आप बनाओगे इस वाली ऊन से, थोड़ी पतली वाली से। अगर मोटी ऊन है तो ठीक है, फिर आपके पास तो 55 फंदे आप ये डाल लीजिए, और इसमें आप 63, कोई कन्फ्यूजिंग ना रहे इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। और फिर आगे का हमने सेम ही बनाना है, तो मैं ये बनाना आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप ये नीचे से हम सोल से इसको बनाएंगे। तो यहाँ आप 63 फंदे डाल लीजिए, सॉरी मैंने यहाँ 55 डाले, आप 63 डाल लीजिए, और 8 धारियाँ इसकी उल्टी उल्टी बना लीजिए। 1 2 3 4 6 7 8, और सिंगल धागे से मैंने ये फंदे डाले हैं। इसके बाद अब हम ये डिजाइन डालना सीखेंगे। ये वाला डिजाइन जो इस पे मैंने बनाया है, बहुत ही सुंदर कोने कोने बन के आते हैं फ्रेंड। तो ये मैं आपको बनाना बताती हूँ अब। आप दूसरा कलर कोई सा भी ले लीजिए, एक डार्क और एक लाइट। अब हम यहाँ से फंदे डालना, ये डिजाइन डालना सीखेंगे। तो 4 सिलाइयों में ये डिजाइन बन के आता है। तो देखिए, पहला फंदा हम यहाँ पे इस कलर से ऐसे बना देंगे। अब हम ऐसे, ये फंदा हमने सीधा बनाया, धागा आगे करा, इस फंदे को हम स्लिप करेंगे, ऐसे स्लिप करा, और फिर इसको धागा आगे ही रहेगा, ये देखिए, और फिर इसके ऊपर से ऐसे सीधा ये बना देंगे, ये देखिए। फिर धागा आगे करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, और धागा हमारा आगे ही रहेगा, ऐसे इसको सीधा बना देंगे। फिर धागा आगे लेके आएंगे, इसको स्लिप करेंगे और इसको सीधा बनाएंगे। तो इसके ऊपर से बल डालता हुआ जाएगा धागा। धागा आगे, देखिए ऐसे ऐसे बनाया, धागा इस साइड, ये वो स्लिप करा, इसको सीधा बनाया, धागा आगे, ये स्लिप करा, इसको सीधा बनाया, धागा आगे करा, इसको स्लिप करा, सीधा बनाया। पूरी सिलाई में हम ऐसे ही ये बना देंगे। देखिए 55 फंदों को हम ऐसे ही बना देंगे। तो पूरी सिलाई में बना लेती हूँ, फिर अगली सिलाई आपको उल्टी दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आता है फ्रेंड ने। 4 सिलाइयों का डिजाइन है। अब देखिए, लास्ट में पहुंच गए, तो ये सीधा बना लिया, और ये लास्ट वाला फंदा है स्टिच, इसको भी सीधा बना लेंगे। अब उल्टी सिलाई पे देखिए क्या करेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड, ये धागा हमारा इस साइड को है, तो अब धागे को ऐसे पीछे करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपने साइड लाएंगे, इसको ऐसे स्लिप करेंगे, और फिर ये ऐसे बना देंगे, फिर धागा अपनी साइड को, इन दो को स्लिप करेंगे, और ये फंदा यहाँ से उल्टा दिख रहा है, तो इसको हम सीधा बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे अब 2 हमारे वाइट हो गए, क्रीम मतलब, और एक पिंक। ये वाला सीधा बनाने के बाद धागा अपनी साइड लाएंगे, फिर इसको स्लिप करेंगे इन दो को, इसको फिर सीधा, धागा अपनी साइड है, इसको सीधा बना देंगे। देखिए धागा आगे लाए, इसको स्लिप करा, ये सीधा बनाया। ये भी हम पूरी सिलाई में ऐसे ही बना देंगे, पूरी सिलाई। सिर्फ सीधा फंदा बनाने के बाद धागा अपनी साइड को ला देंगे, बस ये सीधा, दो को स्लिप करा, ये फिर सीधा। ऐसे
तो ये पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ, फिर तीसरी सिलाई दिखाती हूँ। अब तीसरी सिलाई देखिए फ्रेंड, पहला फंदा है इसको हम स्लिप भी करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे, फिर धागा आगे लाएंगे। ये जो तीन फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे ऐसे, धागा पीछे, ये वाला जो सिंगल फंदा है इसको सीधा, ये उल्टा, ये सीधा और ये उल्टा, समझ गए होंगे फ्रेंड आप। ये देखिए, ये तीन वाला उल्टा और ये सिंगल वाला सीधा, ऐसे ही हम ये पूरी सिलाई बना देंगे। ये देखिए, तो ये पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ। उसके बाद फिर अगली चौथी सिलाई, डिजाइन की लास्ट सिलाई, वो दिखाती हूँ आपको। अब फ्रेंड चौथी सिलाई देखिए इसकी, तो चौथी सिलाई पूरी हम इसकी उल्टी बना देंगे ऐसे। सॉरी, उल्टी नहीं बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाया और देखिए जो तीन का एक करा है उसको हम सीधा बना देंगे। ये उल्टा, तीन का एक वाला सीधा ऐसे, ये उल्टा, ये सीधा, यहाँ पे पता चल जाता है फ्रेंड। देखिए, ये उल्टा बनाएंगे, ये तीन फंदे का एक बनाया है तो इसको हम सीधा बना देंगे ऐसे पूरी सिलाई। फिर अगली सिलाई पे मैं दूसरे कलर से आपको बनाना बताती हूँ दोबारा हम कैसे बनाएंगे इसको। अब फ्रेंड देखिए, दोबारा से हम ये डिजाइन बनाएंगे, तो देखिए हमारा डिजाइन बन गया है। अब दोबारा से हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, अब दूसरे कलर से हम बनाएंगे धागा, सॉरी पीछे ही रहेगा इसको हम, ये देखिए ये फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, ये हम स्लिप करेंगे और इसको ऐसे सीधा बना देंगे, धागा फिर अपने साइड, इसको स्लिप करा, ये हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी साइड, ये स्लिप करा, इसको सीधा बनाया ऐसे, पूरी सिलाई हम ऐसे इसकी बना देंगे। फिर मैं दूसरी सिलाई भी आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ। सेम हमने जो हमने ए वाला बनाया वैसे ही है, सेम हम ए भी बनाएंगे, बस ऐसे ही। फिर एक बार फिर हम तीसरी बार फिर क्रीम कलर से बनाएंगे, तो इस तरीके से हमारे डिजाइन बनता जाएगा। तो तीन डिजाइन बना लेती हूँ मैं इसमें। उल्टी सिलाई में भी हमने सेम बनाना है, एक फंदा हमने स्लिप करना और एक सीधा बनाना है। सिलाई देख लीजिए फ्रेंड, सीधी हमने बना ली, अब धागा पीछे करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे, पहले फंदे को पहला स्लिप करा, दूसरा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, इन दो को स्लिप करा और इसको सीधा, जिसके ऊपर धागा लपेटा है उसको हम स्लिप भी करेंगे ऐसे। तो ऐसे आप ये बना लीजिए। ये देखिए, इस पे मैंने तीन डिजाइन बनाए हैं। तीन डिजाइन बनाने के बाद दो धारियां हमें पिंक की बनाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको ये आगे बनाना बताऊंगी। यहाँ तक आप बना लीजिए, दो धारियों तक, एक दो तीन डिजाइन है, दो है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक बना लिया मैंने दो धारियां, तो 17 फंदे हम इस साइड छोड़ेंगे, 17 ही इस साइड, और बीच में 11 बार हम दो का एक करेंगे। तो 17 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब देखिए, एक 11 बार करेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, यहाँ पे 18 फंदे बच जाएंगे। देखिए, दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, 18, तो हम यहाँ पे दो का एक कर देंगे, एक फंदा इस साइड का, एक इसका, ऐसे दो का एक कर दिया। आगे हम 16 फंदों को उल्टा उल्टा बना देंगे ऐसे। फिर हम उल्टी सिलाई पे देखिए कैसे बनाएंगे। ये पूरी सिलाई हम ऐसे उल्टी बना लेते हैं,
अब हम 17 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और 17, और बीच के 10 फंदे हम बंद करेंगे। हम एक दो बनाए, देखिए ऐसे पीछे वाला ऊपर से उतार दिया, एक ये हो गए, दो ये हो गए, तीन चार पाँच 10 फंदे बंद करेंगे हम, ये छ सात आठ नौ और 10, 10 फंदे बंद कर दिए। अगले हम 17 फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बना लेंगे, तो ये पूरे मैं बना लेती हूँ फिर अगली स्लाइड देखो। अब देखिए फ्रेंड, ऐसे हमने फंदे बंद कर लिए, तो एक बार हम इस साइड से फंदे बढ़ाएंगे और एक बार हम इस साइड से। तो देखिए पहली बार हमने इस साइड से फंदे बढ़ाए हैं यहाँ से, इस बार हम इस साइड से इस साइड को फंदे बढ़ाएंगे। देखिए ए वाला बूट हमारा ऐसे बना है, देखिए ऐसे, तो ए वाले फंदे हम इस साइड को बढ़ाएंगे। अभी ध्यान से देखिए ऐसे, तो ऐसे बना हुआ आएगा ये, तो ए वाले फंदे हम अभी यहाँ से हम इस साइड से फंदे बढ़ाएंगे इस साइड को। पहले हमने इस साइड से बढ़ाए थे, ये देखिए ध्यान से इस वाले बूट को, तो मैं एक बार इस बात का ध्यान रखिए फ्रेंड, एक बार हमने इस साइड से फंदे बढ़ाने हैं और एक बार इस साइड से। तो अब हम इस वाले में मैंने इस साइड से बढ़ाया, इस बार मैं इस साइड से बढ़ाऊँगी। तो देखिए पहले हम फंदे बढ़ाएंगे, पहले 17 फंदे मैं बना लेती हूँ, फिर हम फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए 17 फंदे मैंने बना लिए, तो ये जो हमने बटन डालने के लिए बनाई है ये वाला पार्ट हम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो होल बनाए हैं, एक ए और एक ए, जहाँ पे कंफर्टेबल हो बच्चे को वहाँ पे हम इसको बना देंगे। तो देखिए अब यहाँ से हम फंदे बढ़ाएंगे 22 फंदे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, तो मैं 22 फंदे बढ़ा लेती हूँ। अब 22 फंदे बढ़ाने के बाद देखिए फ्रेंड, अब इन फंदों को हम बनाएंगे। तो पहला फंदा भी हम बनाएंगे, पहली बार बनाने में थोड़ा टाइट लगेगा, बाकी फिर ठीक आ जाएगा। ऐसे एक दो, ऐसे आप एक एक फंदा इसका बनाते जाइए। तीन चार, तो पूरी सिलाई में ये उल्टी उल्टी ऐसे बना लेती हूँ। देखिए यहाँ से एक दो तीन चार धारियाँ हमारी ये हो गई, तो देखिए एक दो तीन चार, चार ही हमारी पहली, और एक दो तीन धारियाँ हम ए बनाएंगे और चौथी पे हमें बंद करेंगे। तो एक दो धारियाँ आप इसमें बना लीजिए इन फंदों पे, जब तक दो धारियाँ नहीं बन जाती। दो धारियाँ बनने के बाद फिर मैं आपको बटन होल बनाना भी बताऊंगी और इसको आगे कैसे बनाएंगे और बंद करेंगे वो सारा बताऊंगी। दो धारियाँ आप इन फंदों की बना लीजिए, ये वाले फंदे आराम आराम से बनाने पड़ेंगे ऐसे, क्योंकि एक एक फंदा खोलना पड़ता है फिर बनाना पड़ता है। तो देखिए ये हमारी पहली धारी आएगी, एक और बना लेते हैं फिर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, दो धारियाँ मैंने बना ली, एक और दो, ये हमने फंदे बढ़ाए थे। तो यहाँ पे अब हम चार फंदे बना लेंगे और फिर बटन होल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बटन होल बनाया, जाली बनाई,
फिर दो का एक करा, फिर एक दो फंदे तीन, तीन फंदे हमने बनाए, फिर चाली बनाई, यहाँ पे दो हमारे बटन होल बन गए। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई ये उल्टी उल्टी अब बना लेते हैं। इसके बाद एक फिर सीधी साइड पे यहाँ पे उल्टी बना लेते हैं, तो एक दो तीन धारियाँ हमारी हो जाएंगी। फिर अगली उल्टी सिलाई पे हम फंदे बंद करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, एक दो तीन धारियाँ हमारी टोटल हो गई। तो अब हम उल्टी सिलाई से और इस साइड से इसको बंद करेंगे, और इस वाले में आप सीधी साइड से बंद करेंगे क्योंकि इसी साइड से बंद होंगे सभी फंदे। पहला फंदा स्लिप करा, अगला हमने बनाया, पीछे वाला हम ऊपर से उतारते जाएंगे ऐसे। एक बनाया, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया, बनाया, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया ऐसे। देखिए तो ऐसे हमारे फंदे बंद हो जाते हैं। तो मैं बंद कर लेती हूँ सभी फंदे, फिर दूसरी साइड वाला बना के बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे होल भी हमारे ऐसे बन के आ गए। अब देखिए सारे फंदे बंद कर लिए, तो लास्ट वाला फंदा, इसके अंदर से धागा हमने काट के ऐसे निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात धारियाँ हमारी टोटल हो गई। तो सात ही अब यहाँ बनाएंगे हम। अब यहाँ से हम पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे क्योंकि नहीं तो जॉइंट फिर इस साइड दिखेगा। और ऐसे तो ऐसे ही यहाँ पे अब इन्हीं फंदों की हमने 17 फंदों के ही सात धारियाँ बना लेनी है। तो एक दो तीन चौथी धारी है, और सात धारियाँ बनाने के बाद फिर सभी फंदे हम बंद कर देंगे। उसके बाद फिर मैं आपको सिलना बताती हूँ। लास्ट वाला फंदा सीधा, तो ये मैं बना लेती हूँ दोनों साइड से उल्टा उल्टा। अब देखिए फ्रेंड, ये बंद कर लिए मैंने इस साइड का भी और इस साइड का भी, और यहाँ पे एक बटन लगा दिया है। तो अब इसकी सिलाई करेंगे हम। तो ऐसे हमने धागा डाल लिया, अब सीधी साइड हम अंदर की साइड करेंगे, उल्टी बाहर की साइड, और ये पूरा सिल देंगे दोनों साइड से इसको मिलाते हुए। ये वाला धागा भी हम साथ में लेके चलेंगे ऐसे नीचे। तो इसकी सिलाई मैं कर देती हूँ नीचे तक ऐसे। ये हमने वाइट से वाइट मिलाना है ऐसे, ऐसे सिलाई करनी है इसकी। तो यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा ऐसे। ऐसे मिलाते हुए नीचे तक मैं इसको सिल लेती हूँ। देखिए इन दोनों को भी ऐसे मिलाते हुए सिलते जाना है, आगे पीछे नहीं सिलना है, बिल्कुल बराबर सिलना है। अब देखिए ये भी मैंने यहाँ तक इसकी सिलाई कर दिया और यहाँ पे पक्का कर दिया है। देखिए यहाँ से हम, यहाँ से हमें धागा काट देंगे। और मैं सीधा करके दिखाती हूँ अब आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, और यहाँ पे आप इसको जो हमने बटन होल बनाए हैं वहाँ पे इसको लगा सकते हैं ऐसे ऐसे, चाहे इस पे लगाइए चाहे इस पे। तो इस तरीके से हमारे दोनों बेबी बूट बनके देखिए कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा ऐसे। फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।